लाइफस्टाइल फर्नीचर का धमाकेदार ऑफर 65% धमाकेदार डिस्काउंट वाले ऑफर के साथ नए दौर के बेमिसाल डिजाइन की भरमार। लाइफस्टाइल फर्नीचर चांदनी फंक्शन हॉल अंबेडकर स्टेडियम बीजापुर 18 जुलाई से 31 जुलाई तक। जल्दी करें, ये ऑफर लिमिटेड है। इस साल भी शहर बीजापुर की आन, बीजापुर की पहचान जामिया मस्जिद में हुसैनी आलम का ये शानदार जलसा जो है चल रहा है। यहाँ पर देखिए हज़ारों की तादाद में पंजतन को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले यहाँ पर उनके आलम के पास हाजिर हुए हैं। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अकीदत को और दिल को देखा जाता है। जिस अकीदत से, जिस मोहब्बत से जो भी यहाँ पर इनके दरबार में, इनकी बारगाह में आलम के पास हाजिर होता है, उनको वो फैज़याब करते हैं। मैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हुसैनी हाशमी सज्जादा नशीन हेरिडेटरी मुतवल्ली दरगाह हज़रत हाशिम के दस्तगीर, हर साल मैं भी जो है इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए यहाँ पर हाजिर होता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सद के, पंजतन के सद के हमारे मुल्क में अमन और शांति बहाल करे। अस्सलाम वालेकुम। والستة الباقية من الأشرة المبشرة والبقية الصحابة وكرامة وتابعين وتابع تابعين بإحسانهم عليهم يوم الدين स्वागत है आपका पी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम।
आज मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख है। बस 3:30 बजे के तकरीबन 3:30 बजे जामिया मस्जिद रोड पर बड़े आलम हुसैनी आलम की यह सवारी ठीक 3:30 बजे के करीब जो है यहाँ से निकलेगी आसार शरीफ तक, और इस सवारी को जो उनके चाहने वाले हैं सजा रहे हैं, और उनके जो जायरीन हैं यहाँ पर उनके दीदार के लिए पहुँचे हैं शहीदा ने करबला इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला ना का ये जलसा मुबारक जो जामिया मस्जिद रोड पर हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही शाया निशान पैमाने पर मुहर्रम के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मनाया जाता है। और यहाँ के जायरीन से भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले जो है शहराने बीजापुर को मुहर्रम की मुबारकबाद देता हूँ। आज जो है मुहर्रम की 8वीं शब है। आज यहाँ पर हम काली मस्जिद में हैं। काली मस्जिद में जो है हुसैन आलम का ताज़ा बिठाया जाता है। ये हुसैन आलम जो बैठते हैं, इस जो बिठाने का जो मामूल चला हुआ है, यहाँ के 14 जो हैं हकदार हैं, जिसे 14 मामूल हैं, वो अपने अपने हिस्से के जो काम बराबर करते हैं, आते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ जो है भैरा का तूरा आता है हमारे खुर्शीद आलम डेविड के घर से, और दौलत कोटी से जो है बीच का तूरा आता है हमारे बाजू साहेब से, जो है साइड के तूरे आते हैं, थट्टियाँ आते हैं, छतरी आती है, उदान आती है, जो है अपने अपने जो है हकदार जो है अपना अपना काम यहाँ करते हैं। यहाँ जो है हुसैन आलम के चाहने वाले लाखों की तादाद में जो है हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी आते हैं और यहाँ पर अकीदत पाते हैं। मेरा नाम है सैयद हजरत पाशा नसीम दौलत कोटी। अस्सलाम वालेकुम। ये मुहर्रम जो है पूरे बांगी फैमिली पूरे घर के लोग पूरा मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग इसे बड़े पैमाने पे करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। इमाम अली मकाम को एक रुबाई नज़र करता हूँ। हुसैन के दर को बाबे शफात कहते हैं, हुसैन के दर को बाबे शफात कहते हैं, हुसैन की राह को राह निजात कहते हैं, हुसैन की राह को राह निजात कहते हैं, हुसैन को चाहने वाले कभी मुर्दा हो नहीं सकते, हुसैन को चाहने वाले कभी मुर्दा हो नहीं सकते, क्योंकि हुसैन के इश्क को आबे हयात कहते हैं, क्योंकि हुसैन के इश्क को आबे हयात कहते हैं। लब्बाय क्या हुसैन। मैं सैयद शाह कव्वाल बीजापुर। ये हुसैन का करम है जो हर साल हमें यहाँ आने का मौका मिलता है। एक दो शेर हुसैन की शान में। या हुसैन आपके जैसा कोई पैदा ना हुआ, या हुसैन आपके, या हुसैन आपके जैसा कोई पैदा ना हुआ, या हुसैन आपके जैसा कोई पैदा ना हुआ, जान पर खेलने, जान पर खेलने वाला कोई तुम सा ना हुआ, या हुसैन आपके। कम से कम 9-10 साल हो गए ये हमारे खालो है। मैं 54 वर्ष का था, 54 साल चल रहा है। क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या देखो सब मिलकर भाई बन अच्छा जा करते हैं मुहर्रम में आराम से। आज कौन सा क्या नहीं इस्लाम से अच्छा कर रहे। इस्लाम को सबूत वफात दे गए हुसैन, गर्दन कटा के हक का पता दे गए हुसैन, जिसकी कोई मिसाल मिलेगी ना हश्र तक, जिसकी कोई मिसाल मिलेगी ना हश्र तलक,
सारे जहां को ऐसी अदा दे गए हुसैन, इंसानियत को दे के नई सोच का लहू, इंसानियत को दे के नई सोच का लहू, बीमार ज़हनियत को दवा दे गए हुसैन, हस्ती को अपनी करके फना दीन के लिए, हस्ती को अपनी करके फना दीन के लिए, अहले जहां को दर से बका दे गए हुसैन, हाथों से खुद सजा के उरुसे हयात को, हाथों से अपने खुद सजा के उरुसे हयात को, अपने लहू से रंग हिना दे गए हुसैन, उनसे ही मिस्तमार है हर रोशनी खुमार, उनसे ही मिस्मार है हर रोशनी खुमार, तारीखियों को अपनी जिया दे गए हुसैन। तो आप ये जलसा देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद रोड पर तारीखी शहर बीजापुर में जो तकरीबन 500 साल से ये शहीदों की याद में इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद में ये ताज़िये बिठाए जाते हैं और शहीदों की याद को ताज़ा किया जाता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जामिया मस्जिद जो मोहल्ला है, तारीखी मोहल्ला है, यहाँ पर 4 या 5 बड़े आलम होते हैं और ताज़िये होते हैं। ऐसा मानो कि शहर बीजापुर में सबसे ज़्यादा जो है जो मुहर्रम का जश्न मनाया जाता है, जो मुहर्रम के शहीदों को याद किया जाता है, वो इसी मोहल्ले से उनको याद किया जाता है और इसी मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े और अलम बिठाए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों ने बीजापुर को मुहर्रम की मुबारकबाद देना चाहूँगा। हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही जोश व खरोश के साथ तमाम हिंदू मुसलमान भाई मिलकर मुहर्रम की त्यौहार मना रहे हैं। ये महीना मुहर्रम का इस्लाम की तारीख में पहला महीना है। इसी महीने में करबला का वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ, जिसमें हज़रत इमाम आली मक़ाम ने अपना सर कटाकर इस्लाम को ज़िंदा किया। इसीलिए कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जो भी अपने दिलों में नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करके मोहब्बत के साथ सब लोग एक साथ मिलकर इस मुहर्रम को मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये जो है हैदरी आलम भाई, इसको कहा जाता है हज़रत अली से ये आलम मंसूब है, इसीलिए इसका नाम हैदरी आलम है। हुसैनी आलम जो है हज़रत इमाम हुसैन से मंसूब है, उसी तरह अब्बास शहीद से मंसूब है। और ये 500 साल 600 साल जैयद खान बोल के एक वज़ीर थे, हज़रत सैयद शाह कासिम कादरी के मुरीद थे, उनका बनाया हुआ आशुरखाना है और उन्हीं का लाया हुआ आलम है। जब से जो है बड़े ही एहतराम के साथ ये मुहर्रम मनाया जाता है, इसकी सरपरस्ती मेरे ख़ानदान में जब से चली आ रही है। तमाम मोहल्ले के नौजवान मिलकर जो है बड़े ही एहतमाम के साथ ये तकरीब मुनक़द करते हैं। अल्लाह तबारक तआला से मेरी गुजारिश, मेरी दुआ है कि सबके दिलों में मोहब्बत डाले और सबको एक दिली के साथ बग़ैर किसी तकरार के, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के ये तकरीब को इख्तिताम तक पहुँचाए। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हुसैनी आलम तकरीबन 3:30 बजे वो उठते हैं, पहले वहाँ से उनके बाद जो है यह हैदरी आलम उठते हैं, फिर वहाँ से जुलूस निकलता है, फिर पीछे 12 इमाम, उसके बाद अब्बास अली। इस तरह से ये सदियों से ये निज़ाम चला आ रहा है।
सुनने में आता है कि पहले जोड़ी से जाते थे हैदरी आलम और हुसैन आलम, फिर बारह इमाम और अब्बास अली, फिर उधर से आते थे आलम मीनाक्षी चौक से दोनों जोड़ी के साथ। मगर फिर वक्त गुजरता गया, उसके बाद में एक के पीछे एक ये इंतज़ाम किया गया जो अब तक कायम है, इसी तरह चल रहा है। आगे भी गुजरने वाला है क्या? वक्त आगे भी गुजरने वाला है, गुजरते वक्त में बिल्कुल अल्लाह तबारक ताला से तो मेरी दुआ है कि ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे। और जो है जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब हमारी सदियों से चली आ रही है वो भी कायम रहे, और मुसलमानों में जो भी नाइतफाकियाँ हैं वो दूर हों, और सब हंसी खुशी मिलकर ये मुहर्रम का महीना गुजारें। सबसे पहली तकरीब यहाँ पर जो है शुरुआत इसकी जो है बैरक के तुरे से होती है, जो हमारे महल्ले के मनियार बिरादरी जिसमें हाजी अहमद और हमारे रियाज अहमद और बबलू ये बच्चे जो है करते हैं, देते हैं बैरक का तुरा। पहले उन्हीं के घर से इसकी इब्तिदा होती है, फिर हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पर वो क्षत्रियों का इंतज़ाम करते हैं, और एक हमारे कुड़गी बोल के हैं बागैत गली में वो धट्टियों का इंतज़ाम करते हैं। बस इसी तरह से के सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, अल्लाह इसे कायम और दायम रखे। तो अभी रात के ठीक पौने तीन बज रहे हैं और तमाम आलमों को सजाया जा रहा है, तो इस बीच जो है तमाम ज़ायरीन भी यहाँ पर मुंतज़िर हैं कि तकरीबन अंदाजे से लगाया जा रहा है कि 3:30 या 4:15 बजे आलम की सवारी निकलेगी। और हमारे साथ यहाँ पर जनरल आब्दीन साहब भी हैं यहाँ पर, आइए इन्हीं से जानते हैं सब क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस महीने। नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज मुहर्रम की जो है नौवीं शब शुरू हो चुकी है, बस कुछ ही लम्हों में इमाम हुसैन का जो जुलूस निकलने वाला है जो काली मस्जिद में 1 तारीख की पंजा जो है
करीबन 400 साल से उसकी रिवायत यहाँ पर है, और ज़ायरीन जो है हर साल काफ़ी तादाद में हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिलकर जो है यहाँ पर ये इस मुहर्रम का जो ताज़िए का जुलूस निकलता है सब लोग इसमें शामिल रहते हैं, और ज़ायरीन दोनों शक्ल में आते हैं, कोई यहाँ पर ज़ात पात का मसला ही नहीं रहता है। और जितने लोग मुसलमान यहाँ पर हाजिरी देते हैं मौला हुसैन के बारगाह के लिए, उतने ही मेरे हिंदू भाई भी यहाँ पर आते हैं। तो एक पीस का मैसेज है, यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि आज 9वीं तारीख है, कुछ ही देर में मौला हुसैन का जो पंजाए मुबारक है जो एक जुलूस की शक्ल में यहाँ से निकलेगा, निकल कर जो है आसार शरीफ की तरफ जाएगा, फजर की नमाज़ के बाद वहाँ पर उसको बिठाया जाएगा, वहाँ पर फातिहा खानी होगी, फिर फौरन वहाँ से लेकर फिर वापस काली मस्जिद के लिए रवाना होंगे। इंशाल्लाह कल मगरिब के पहले पहले या फिर फौरन मगरिब के बाद तक जो है जुलूस की शक्ल में वापस काली मस्जिद को पहुँचेगा। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज देखिए, मैसेज तो हुसैन ने देकर अपने पूरी उम्मत के लिए उनका यही मैसेज है कि हक का साथ दें, और अपनी ज़िंदगी ही उन्होंने अल्लाह ताला के लिए निछावर इसलिए कर दी क्योंकि वो हक पर थे, ना हक का साथ नहीं देना चाहते थे। काफ़ी यजीदियों ने उनके लिए इतने जुल्म ढाए, अब आप आशूरे की तारीख पढ़ेंगे तो हर कोई जो इसमें रहने वाले हैं, जब भी वाक़ आशूरा आएगा तो किसी की आँख से पानी नहीं निकलेगा, ऐसा कोई वक्त ही नहीं निकलता समझिए, क्योंकि हर कोई उसे अफसोसनाक समझता है। और एक एक मैसेज ये है कि हुसैन जो है लोग जो समझते हैं कि शहीद हो गए दुनिया से चले गए, वो लोग मैं समझता हूँ कि वो लोग पागल हैं और उनके पास ईमान नहीं है। जो लोग ईमान वाले हैं, जो ईमान पर भरोसा रखते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को ये मेरा एक मैसेज है कि हुसैन कभी दुनिया से गए ही नहीं हैं। अगर हुसैन ना होते तो हम ना होते, ये दुनिया ना होती और कोई कलमा पढ़ने वाला बाकी ना रहता। अभी उन्होंने अपने नाना के हुक्म के लिए अपना सर कटाया है, और नाहक जो यजीद उनके पास बैत लेना चाहता था उन्होंने अपने हाथ ना देकर अपनी गर्दन कटवा दी है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तमाम हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अमन और सुकून हमारे देश में कायम होना चाहिए और सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बस आपने बताया कि मौला हुसैन ने एक मैसेज दिया है, पीस का मैसेज दिया है, जो हक और बातिल का उन्होंने जो है डट कर मुकाबला किया और हक पर डटे रहे। तो मौला हुसैन का ये आलम था कि यजीद की तमन्ना थी सर या बैत, यजीद की तमन्ना थी सर या बैत, लेकिन मौला हुसैन का यह आलम था कि यजीद भी इनके दर से खाली ना गया। तो एक पीस मैसेज है आलम इस्लाम के लिए, आलम दुनिया के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक यहाँ पर आपको नज़र आ गया। तारीखी शहर, तारीखी जामिया मस्जिद मोहल्ले में यहाँ पर सिर्फ एक धर्म के, एक जात के लोग नहीं होते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर जो है मौला हुसैन का ये जुलूस में शामिल होते हैं और अमन और शांति की दुआ करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है, शहर बीजापुर के इस तारीख की जामिया मस्जिद में जो हुसैन आलम को बिठाया जाता है उनकी सवारी का दिन है। अभी रात के 3 बजे हैं, थोड़ी देर में एक आधे घंटे में क्या है, हुसैन आलम की सवारी यहां से एक शाही जुलूस के साथ क्या है निकलती है। यहां से अब निकल के आसा शरीफ कल सुबह में 9 बजे पहुंच के कल सुबह 10 बजे क्या है वापस रवानगी होती है, तो वहां से शाम में 7 बजे के अंदर अंदर यहां पे वापस अपने मुकाम पे यहां आलम को बिठाया जाता है। और कल पूरे दिन यहां पे
कम से कम 20,000 लोग इस जुलूस में शिरकत फरमाते हैं। खुसूसी तौर पर शहर बीजापुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक भाईचारे का ये सो आलम का क्या है, एक निशानी है। और ख़ास करके इस जामा मस्जिद मोहल्ले में हुसैन आलम को बिठाया जाता है, जो 500 साल से बिठा रहे हैं, और उसके इस तरह गच्ची महल में हैदर आलम को बिठाया जाता है, इसी काली मस्जिद के सामने बारह इमाम को बिठाया जाता है, उसी तरह जुले गली में अब्बास अली को बिठाया जाता है। इन चारों आलम की आज शाही जुलूस के साथ में क्या है आसार को जाएंगे, और आसार से क्या है कल शाम में 6-7 बजे के अंदर अंदर वापस अपने मुकाम आएंगे। ये सिलसिला गुज़िश्ता 500 साल से यहाँ बीजापुर शहर में चलते आ रहा है। सैयद आफ्ताब कादरी।
करता है।